समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद आजम खान ने तीन तलाक के मुद्दे पर अपने ही अंदाज में प्रतिक्रिया दी है। वहीं चमकी बुखार को लेकर इशारों इशारों में सीएम योगी को निशाने पर लेते नजर आए। हम पहले दिन से इस राय के हैं कि मजहबी आस्थाओं के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। हमारे लिए कुरान फाइनल अथॉरिटी है और कुरान में तलाक का तरीका दिया हुआ है। उस तरीके से कोई मुसलमान नहीं हट सकता। अगर जो बिल लाया गया है वो अकॉर्डिंग कुरान है तो काबिले कबूल है, अगर अकॉर्डिंग कुरान नहीं है तो काबिले कबूल नहीं है। ये ऐसे कवानीन हैं जिसे ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं बनवाया जा सकता। जिन्हें एक तलाक पसंद है वो एक पर समझौता कर लें, जिन्हें दो पर भरोसा हो दो कर लें, तीन का हो तीन कर लें, और निकाह ही क्यों कर लें, शादी ब्याह क्यों कर लें। ये जो गवर्नमेंट का तरीका है इस तरह से, ये ज़रा ख़तरनाक है। लोगों की आस्था ख़त्म होगी शादी ब्याह से। और गोरखपुर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, उनका राजनीतिक इलाका भी है, वहीं से सांसद होते रहे हैं, विधायक हुए। अब ये बीमारी बिहार में पहुंची है। उम्मीद तो ये की जाती थी कि गोरखपुर में जब ये बीमारी आई तो इसका कोई वायरस तैयार कर लिया जाता, मगर उन मेडिसिन तैयार कर ली जाती, लेकिन कोई तैयार नहीं की गई। अब बजाय इसके कि इसका इलाज तलाश करें, एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाली जा रही है। और कुछ लोग जाकर जो डॉक्टर संजीदगी से काम कर रहे हैं उनको धमका रहे हैं, उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, बेअदबी कर रहे हैं। दरअसल बहुत फेल्योर है गवर्नमेंट का दो तीन चीज़ों पर, बेरोजगारी पर, नौकरियों के लिए, शिक्षा का इंतज़ाम, कॉलेजेस बंद हो रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ, और अब जो नया कानून उत्तर प्रदेश सरकार ला रही है उसके बाद तो शायद और ज़्यादा कमी आएगी शिक्षा के क्षेत्र में, सरकारी यूनिवर्सिटियाँ भी बंद होना शुरू हो जाए। हो सकता है ज़रूरत भी ना हो पढ़े लिखे लोगों की, पढ़ेंगे तो नौकरी मांगेंगे।